हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। वेरी गुड आफ्टरनून नहीं, एक्चुअली वेरी गुड नून। तो वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हमारी एनिमल हस्बेंड्री की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस एनिमल हस्बेंड्री के, राइट। और भाई, आप सभी स्टूडेंट्स का IBPS FO का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा, आई जस्ट होप। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मॉक से आए थे, यू ऑल नो, तो इसलिए आपको पता है कि यार ये मॉक वाली जो सीरीज़ है इसको अटेंड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, आज से आपकी जो क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं ये और भी ज़्यादा और इफ़ेक्टिव क्लासेज हैं, तो यार इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे हैं। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत अच्छे, तो डेफिनेटली गाइज बहुत अच्छे से सारी क्लास को आप अटेंड करिएगा, ओके। और पूरे वीडियो में आपको बने रहना है, ओके। वेरी हेलो भावना, वेरी गुड मॉर्निंग हरीश, वेरी गुड मॉर्निंग अजय, दिशा, नरोत्तम फिटनेस फ्रीक, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए आज हमारा आपका आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है मैम। और क्लास क्यों नहीं हो रही है? हो तो रही है, सारी क्लासेस हो रही हैं, शायद आप गए नहीं होंगे, सारी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग फिटनेस फ्रीक, आई मीन विष्णु। चलो ठीक है गाइस, तो अपना आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हो तो, ओके। और साथ ही साथ, और अगर हो पहले से आ रहे हो तो डेफिनेटली आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। और गाइस, अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलते, आपको जाना है कैटेगरीज पर। कैटेगरीज में आप जब एग्रीकल्चर चूज करते हो तो वहां पर आपको जाना है डेली क्विजेस पर, जहां पर आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। तो और साथ ही साथ एग्री के भी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो गाइज, जरूर से इनको, इन क्लासेस को आप अटेंड, इन मॉक्स को आप जरूर करिएगा, ओके। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सलोनी, दीपिका, सॉरी दीपशिखा, आस्था, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मिल्क ब्रीड इज हैविंग द मैक्सिमम लैक्टेशन लेंथ। तो कौन सी ऐसी मिल्क ब्रीड है जिसका लैक्टेशन जो है, लैक्टेशन लेंथ जो है वो मैक्सिमम होगा? गिर, साहिवाल, थार पार्कर एंड रेड सिंधी, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून मुस्कान, वेलकम इन द सेशन। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस कि विच मिल्क ब्रीड, विच इंडियन मिल्क ब्रीड हैव मैक्सिमम लैक्टेशन पीरियड। तो कौन सी ऐसी मिल्क ब्रीड है जिसका लैक्टेशन पीरियड सबसे ज़्यादा है? गिर, साहिवाल, थार पार्कर एंड रेड सिंधी। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून विश्व चौधरी, वेलकम इन द सेशन। साहिवाल, ओके, वेरी गुड। चलिए बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए गाइस, कौन सी ऐसी काव है जिसका जो लैक्टेशन पीरियड है, लैक्टेशन लेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा है, बताइए। आस्था, किशोर, बी, ओके, मुस्कान बी, ठीक है, विशु, साहिवाल, ओके, दिशा बी, ओके। तो गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर, ठीक है, क्या हो जाएगा? गिर हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर हम लैक्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो अल्टीमेटली मैक्सिमम लैक्टेशन पीरियड जो है गिर का हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली गाइस, गिर जो काव है वो इस टाइप का, उसका जो फीचर्स हैं, जो फिजिकल अपेयरेंस है वो कुछ इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी ब्रीड लगती है गिर ब्रीड, ओके। और ये, इसका नाम गिर इसलिए है क्योंकि गुजरात के गिर फॉरेस्ट को बिलोंग करती है, राइट। तो बेसिकली इट बिलोंग्स टू द गिर फॉरेस्ट, टू द गुजरात, तो इसलिए इसका जो नाम है वो है गिर, ठीक है। सेकेंड थिंग, गिर कैटल नेटिव ट्रैक इज गिर हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़। तो ये काठियावाड़ के फॉरेस्ट को बिलोंग करती है, राइट, जो कि आपका गुजरात में है। सेकेंडली, इसके जो ईयर्स हैं, अब देखो इनके जो फिजिकल अपेयरेंस है कई बार वो भी एग्जामिनेशन में पूछता है, तो इनके जो ईयर्स हैं वो जनरली लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इनके जो लॉन्ग ईयर्स हैं जनरली पेंडुलस टाइप होते हैं, मतलब जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता है ना, तो ऐसी पेंडुलस टाइप इनके ईयर्स होते हैं, ठीक है। इनके जो जनरली आपके लीफ की तरह जनरली इनके क्या होते हैं, पेंडुलस एंड फोल्डेड लाइक अ लीफ ऑन द टिप ऑफ टिप विद अ नोट। तो इस साइड से वो जनरली गांठ की तरह जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, गांठ की तरह वो ऊपर से जुड़े हुए होते हैं और पेंडुलस की तरह हिलते रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जनरली इनके ईयर्स होते हैं, कान होते हैं। इनके जो हॉर्न्स होते हैं, राइट, इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो जनरली हाँ पत्ती नुमा, बिल्कुल पत्ती नुमा होते हैं, ठीक है। और इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो जनरली बेंट होते हैं और जनरली पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो हॉर्न्स इनके बेंट होंगे, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और इनकी जो टेल होती है वो जनरली काफ़ी लंबी सी होती है, ठीक है। तो टेल काफ़ी लंबी होगी, ईयर्स इनके पेंडुलस होंगे, हॉर्न्स पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और काठियावाड़ रीजन में ये मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गिर के बारे में, और आपने अपेयरेंस तो देख ही लिया है ना,
चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस. वॉल आई टिपिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाइट बफेलो, सॉरी विच बफेलो ब्रीड. तो कौन सी ऐसी बफेलो ब्रीड है जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है कि वॉल आईज होती हैं इनमें. मुर्रा, सुरती, भदावरी एंड नीली रावी. बताइए कौन सी ऐसी बफेलो है जिसकी जो आईज हैं ये जनरली वॉल आईज होती हैं. बताइए मुर्रा में ऐसा होगा या फिर सूरती बफेलो की ब्रीड में होगा, भदावरी में होगा या फिर नीली रावी में होगा. आंसर आराम से निकाल सकते हो इससे, ठीक है. अगर थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा. नरोत्तम सैनी, नीली रावी, ओके. फिटनेस फ्रीक, नीली रावी, ठीक है. दिशा, डी इज करेक्ट, ओके. आस्था, डी इज करेक्ट, ओके, ठीक है. बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ भाई. अजय, ए इज करेक्ट, मुर्रा, ठीक है. गाइस देखो थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आपको आंसर आ जाएगा समझ में, ठीक है. हल्का सा थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के सोचोगे तो आराम से आंसर कर लोगे. नीली रावी, कुलदीप, ओके. तो यस गाइस, जितने पहली बात तो ये आपको ना इसमें आंसर निकालना बहुत इजी है. क्यों? इसमें देखो, एक तो इसमें गोट काउ की ये सॉरी एक इसमें जो ब्रीड है भदावरी, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है. ये तो हमने पहले ही हटा दी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है. बाकी तीन से आपको देखना है, तो बाकी तीन में से आपके नीली रावी होगी, ठीक है. नीली रावी की जो आई होती है जनरली दीज आर वॉल आईज. अब देखिए गाइस नीली रावी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो ये ब्रीड कुछ इस तरीके की दिखती है, नीली रावी ब्रीड. अब इसकी आईज आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है. ये जो आईज होती है इनकी, इनको बोलते हैं हम वॉल आईज, ठीक है. इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो इसका पैटर्न, इसके ईयर्स, इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो टाइटली कर्व इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं थोड़ा सा, ठीक है. अब देखिए इन ब्रीड्स का जो ओरिजिन प्लेस है वो है मोंटगोमेरी, ठीक है. कहाँ पर है? पाकिस्तान में मोंटगोमेरी है. और इनका जो इस ब्रीड का जो जनरली कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है, जनरली जो हमें देखने को मिलता है, नॉर्मल ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है. अगर हम इसका एवरेज मिल्क की बात करें तो इसका जो एवरेज मिल्क है वो 1600 टू 1800 लीटर होता है पर लैक्टेशन पीरियड. और इसके मिल्क में जनरली आपका 7-8% जनरली क्या होता है, 7-8% तो जनरली इनका जो फैट कंटेंट होता है, ठीक है. तो ऑलमोस्ट जनरली ये जो ब्रीड होती है नीली रावी, इसका जो ओरिजिन प्लेस है गाइस वो आपका ऑलमोस्ट जो ये पंजाब और ये पाकिस्तान वाला जो रीजन है उस तरफ है, ठीक है. तो बेसिकली पंजाब और पाकिस्तान वाले रीजन में एक नदी मिलती है जिसका नाम है रावी. तो उसी रावी रिवर के नाम पे इसका नाम है नीली रावी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है. मैंने आपको मैराथन में भी ये क्वेश्चन करवाया था कि जो नीली रावी ब्रीड है इसका जो नाम है वो जनरली किसकी तरह होता है. इनका नाम जनरली एक रिवर के नाम पे है जिसको हम रावी रिवर बोलते हैं, क्लियर. तो ये भी ध्यान रखिएगा. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाट इज द लैक्टेशन यील्ड एंड फैट परसेंट इन द मुर्रा बफेलो ब्रीड. तो मुर्रा बफेलो ब्रीड का फैट परसेंट कितना होता है, लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन यील्ड कितना होता है. पीरियड नहीं पूछ रहा, लैक्टेशन यील्ड पूछ रहा है, ठीक है. चलिए अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. 1360 टू 2270 केजी एंड 6.56%. दूसरा है 1100 टू 1800 4.56. देन है आपके पास बिलो 1000 केजी एंड नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, यहाँ पर ये आपसे पूछा है कि लैक्टेशन यील्ड कितना है और साथ ही साथ जो फैट परसेंट है वो कितना है. मुर्रा की बात कर रहा है, मुर्रा की, हाँ, कॉपर कलर भदावरी, बिल्कुल बिल्कुल. अब बताओ बताओ. ए नरोत्तम सैनी, ए इज करेक्ट, ठीक है. विशु चौधरी का आंसर आया है ए, ठीक है. फिटनेस फ्रीक का भी आंसर आया है ए, ओके. अजय का भी आंसर आया है ए, ठीक है. दीपशिखा ने भी ए आंसर किया है. कुलदीप का भी आंसर आया है ए, ओके. तो मैक्सिमम स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं, ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल गाइज, आप सभी बिल्कुल सही आंसर करें. हाँ जी, आकाश चौधरी, राधे राधे, वेलकम इन द सेशन. भावना कुमारी, ए इज करेक्ट, ओके. तो गाइज अगर हम यहाँ पर देखें, देखो सबसे पहली चीज लैक्टेशन यील्ड तो 1300 से 2200 है, ठीक है. 1300 से 2200 ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बिलो 1000 नहीं है. दूसरा है पर अगर ये हमें समझ में नहीं आ रहा तो फैट कंटेंट के बेसिस पे देख सकते हो. फैट कंटेंट मुर्रा का कितना होता है, 7% होता है, ठीक है. यहाँ पर 7% के नियर बाई 3% तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 4.56 ये भी नहीं होगा. तो बच्चा क्या हमारे पास 6.56, ठीक है. तो क्लियरली आपका जो आंसर हो जाएगा गाइज वो कितना हो जाएगा, इट विल बी द 6.56. क्या हो जाएगा, इट 6.56, ओके. तो बेसिकली गाइज मुर्रा जो ब्रीड है इसमें, इसका अगर हम लैक्टेशन यील्ड का बात करें तो इसका जो टोटल लैक्टेशन यील्ड है वो 1360 से 2270 हो जाएगा, ठीक है. और दूसरा अगर हम इसके फैट की बात करें तो 6.56 यानी कि आपका अराउंड 7% के अराउंड होता है, ठीक है. तो मुर्रा ब्रीड जो है बेसिकली इसका जो बॉडी होता है, ठीक है, इनका जो बॉडी होता है, तो मुर्रा ब्रीड ऑफ बफेलो हैव अ मैसिव बॉडी,
काफी बड़ा सा बॉडी होता है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर की होती है, जेड ब्लैक जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर की ब्रीड ये दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए गाइस, दूसरा इस ब्रीड का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इस ब्रीड के जो हॉर्न्स होते हैं वो टाइटली कर्व्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे आप इसके हॉर्न्स देख सकते हो तो टाइटली कर्व्ड इस टाइप के होते हैं, बिल्कुल ही पीछे की तरफ मुड़े हुए, तो इस तरीके से टाइटली कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। इनके हॉर्न्स से गाइस इनको आइडेंटिफाई भी करा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एंड अडर वॉल्स डेवलप द हिप्स ब्रॉड एंड फोर एंड हाइंड क्वार्टर्स ड्रॉपिंग, तो बेसिकली इसका जो बैक पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, हॉर्न्स वाला पोर्शन टाइटली कर्व्ड होता है, ठीक है। आगे फॉरहेड वाला जो पोर्शन होता है वो भी थोड़ा सा इस टाइप से ब्रॉड टाइप होता है, थोड़ा सा खुला हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है मुड्रा ब्रीड के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ब्रीड पर चलते हैं, हाँ बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, विच इंडियन कैटल इज नोन एज व्हाइट सिंधी, तो व्हाइट सिंधी हम किसको बोलते हैं, थारपारकर, गिर, रेड सिंधी या फिर कैंकरेज, किसको बोलेंगे, जेड ब्लैक, बिल्कुल बिल्कुल। मैम टोटल कितना ब्रीड है जो एग्जाम में आ सकता है, यार ऐसा हम कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, पर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं जो आती हैं, जैसे काऊ की अलग है, बफेलो की अलग है, सबकी अलग अलग ब्रीड्स हैं जो जनरली आती हैं, ऐसा हम स्पेशली कंसीडर नहीं कर सकते कि ये ब्रीड तो बिल्कुल ही ये इतनी ही ब्रीड्स आएंगी, ठीक है। 4% टू गोट, तो गोट में, गोट में होती है, हाँ बिल्कुल गोट में होती है, ठीक है। जलेबी जैसी, हाँ जलेबी जैसे सिंग होते हैं इसके, ठीक है। सबसे खूबसूरत, हाँ बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी होती है, बिल्कुल। विश्व चौधरी थार पारकर, फिटनेस फ्रीक थार पारकर, ओके नरोत्तम सैनी ए इज करेक्ट, ठीक है। दिशा ए इज करेक्ट, दीपक थार पारकर, अजय ए इज करेक्ट, ओके मुस्कान ए इज करेक्ट, आकाश चौधरी ए इज करेक्ट, ओके ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए गाइस, इंडियन कैटल जिसको हम जनरली व्हाइट सिंधी के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने किया है, व्हाइट सिंधी के नाम से जनरली हम थार पारकर ब्रीड को जानते हैं, ठीक है। व्हाइट सिंधी के नाम से जनरली हम थार पारकर ब्रीड को जानते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो भावना और हाँ बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दीपशिखा आपका भी आंसर सही है, कुलदीप का भी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थार पारकर ब्रीड हो जाएगा। तो गाइस ये जो जनरली थार पारकर ब्रीड है, ये एक इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से इसको बाकी काउज से भी, बाकी मतलब जो आपकी ये एग्जॉटिक काउज है उनसे जनरली क्रॉस करवाया जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फीचर इनका क्या है, वो इंपॉर्टेंट फीचर इनका ये है कि ये जनरली डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड होती है, ठीक है। इनका जो एक डिजीज रेजिस्टेंट पावर है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके नेटिव प्लेस की, तो गाइस इसका जो नेटिव प्लेस है वो है थार डेजर्ट, ठीक है। तो इसका इसलिए इसका नाम क्या है, थार पारकर, ठीक है। मैक्सिमम ब्रीड्स का अगर आप नेटिव प्लेस देखोगे तो उनके नाम पर है, जैसे जर्सी का उसके नाम पर है, इसके अलावा आपका जो टॉगनबर्ग है उसका उसके नाम पर है, इस मैक्सिमम ब्रीड्स का उनके नेटिव प्लेस पर, आयरशायर है तो उसका भी उसके नेटिव प्लेस के नाम पर है, तो मैक्सिमम ब्रीड को उनके नेटिव प्लेस के नाम पर ही उनका नाम होता है, ठीक है। तो इसका भी थार डेजर्ट के नाम पर है, और ये डुअल पर्पस और डिजीज रेजिस्टेंट कैटल ब्रीड होती है, इंडिजिनस ब्रीड है, ठीक है। इसका अगर हम ब्रीडिंग ट्रैक देखें तो गाइस कच्छ है गुजरात में, दूसरा बर्मर है, इसके अलावा आपका जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, तो गुजरात हो गया, जैसलमेर, राजस्थान, इन एरियाज में बेसिकली ये ब्रीड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इस ब्रीड का गाइस अगर आप कलर देखोगे तो व्हाइट कलर होता है, ठीक है, और लाइट ग्रे कलर का कोटिंग भी इसमें होता है। तो जनरली अगर हम देखें गाइस तो इसको इसीलिए हम व्हाइट सिंधी बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट जो कलर है वो व्हाइट कलर होता है, ठीक है। हाँ ड्रॉट एरिया हायर, बिल्कुल। तो बेसिकली गाइस ड्यू टू द बेटर हीट रेजिस्टेंट एंड डिजीज रेजिस्टेंस दिस ब्रीड वॉज यूज टू प्रोड्यूस करन फ्राइज ब्रीड। तो यहां से देखो आपके दो तीन क्वेश्चन बन गए, एक तो इसको व्हाइट, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, इसको हम व्हाइट ब्रीड भी बोलते हैं, दूसरी बात इसको इसका डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, तीसरी बात इससे एक बहुत अच्छी ब्रीड भी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं करन फ्राइज। क्या ब्रीड बोलते हैं, करन फ्राइज ब्रीड। तो उस ब्रीड करन फ्राइज ब्रीड को इससे क्यों बनाया गया, उसमें इसको क्यों यूज करा गया, इसलिए यूज करा गया क्योंकि इसका एक तो हीट टॉलरेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि यार देखो ये ब्रीड जो है ये थार डेजर्ट में मिलती है, तो थार डेजर्ट में मिलने की वजह से इस ब्रीड का जो हीट टॉलरेंस है वो बहुत अच्छा है, दूसरा इनका डिजीज रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा है, तो भाई ऐसी बेस्ट ब्रीड है और डुअल पर्पस ब्रीड भी है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड के इसको यूज करते हैं हम एक्सोटिक ब्रीड के साथ, और इसका क्या बनाते हैं, हम क्रॉस बनाते हैं, क्लियर बात। तो बेसिकली सिंथेटिक क्रॉस ब्रीड जो है इसका एनडीआरआई में बनाया गया था, ठीक है, इसका जो ब्रीड है वो एनडीआरआई में बनाया गया था, क्लियर बात। तो इसका करंट प्राइस जो है ये थार पारकर का ही क्रॉस है। तो गाइस आप देख सकते हो थार पारकर जो ब्रीड है वो कुछ इस तरीके का उसका फिजिकल अपीयरेंस है, व्हाइट कलर की होती है, देखिए आप देख सकते हो ग्रे कलर की कोटिंग भी इसमें देखी जाती है, तो दिस इज एक्चुअली द थार पारकर ब्रीड, समझ आई बात।
ये आपकी थारपारकर ब्रीड है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉर्न्स ऑफ साहिवाल कैटल आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। आपको ये बताना है कि साहिवाल कैटल की जो हॉर्न्स है वो किस टाइप के दिखाई देते हैं। लॉन्ग हॉर्न्स यानी कि लंबे से हॉर्न है, लायर हॉर्न्स ठीक है, या फिर लेटरल हॉर्न्स है, या फिर शॉर्ट हॉर्न्स है। तो अब बताइए गाइस कि जो साहिवाल कैटल है उसके हॉर्न्स कैसे दिखाई देते हैं, यानी कि किस टाइप के होते हैं, ये आपको बताना है, बताइए। हाँ बेस्ट डॉट पर्पस अमृत महल, बिल्कुल है अमृत महल है, हाँ बिल्कुल। मैम कैटल का टोटल कितना इंपॉर्टेंट है यार, मैक्सिमम ब्रीड्स इंपॉर्टेंट है ठीक है, शॉर्ट हॉर्न्स ओके, जैसे जर्सी हो गया, आयरशायर हो गया, और इसके अलावा आपकी ये होलस्टीन फ्रिजन हो गया, साहिवाल हो गया, ये आपकी बाकी जो हरियाणा ब्रीड है, मैक्सिमम बहुत काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके शॉर्ट हॉर्न्स, शॉर्ट हॉर्न्स ठीक है दीपक, शॉर्ट हॉर्न्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं शॉर्ट हॉर्न्स ठीक है। दीपशिखा ने भी आंसर दिया है शॉर्ट हॉर्न्स, नरोत्तम दिशा अजय डी इज करेक्ट, ओके मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं डी इज करेक्ट यानी कि शॉर्ट हॉर्न्स। तो साहिवाल कैटल में किस टाइप के हॉर्न्स होते हैं, शॉर्ट टाइप के हॉर्न्स होते हैं ठीक है। चलो तो इसका आंसर देखते हैं गाइस, तो लेटरल हॉर्न्स ठीक है, लेटरल हॉर्न्स होते हैं इनके। तो साहिवाल जो ब्रीड है गाइस ये आपकी बेस्ट डेयरी ब्रीड है। इस ब्रीड को जनरली हम मिल्क पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन पर्पस के लिए इनको हम यूज करते हैं। और इन ब्रीड्स का जो एक्चुअली अगर हम ओरिजिन प्लेस देखें गाइस, इनका अगर हम ओरिजिन प्लेस देखें तो ओरिजिन प्लेस इनका कहाँ है, इनका ओरिजिन प्लेस है पंजाब स्टेट और ऑलमोस्ट पाकिस्तान रीजन ठीक है। तो पंजाब क्या पाकिस्तान के आसपास में, तो वो रीजन जो है ऑलमोस्ट इनका ओरिजिन प्लेस है ठीक है। इस ब्रीड का स्पेसिफिक फीचर क्या है गाइस, तो इस साहिवाल इज कंसीडर वन ऑफ द इंडिजिनस काउ ब्रीड ऑफ पंजाब एंड अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंसेंटिव आर गिवन टू द रेयर दिस इंडेंजर्ड ब्रीड। तो भाई इसको राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो इंडिजिनस ब्रीड थी उन पर ध्यान दिया गया था ना, तो ये ब्रीड भी कुछ उन्हीं में से एक ब्रीड है जिसको राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कंसीडर करा गया था ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में पंजाब की एक ब्रीड ये भी थी जिसका नाम है साहिवाल ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है गाइस ठीक है। काफी हद तक ये ब्रीड जनरली रेड सिंधी के इक्वल होती है साहिवाल ब्रीड। इनके लेटरल हॉर्न्स होते हैं मिल्च प्रोडक्शन के लिए, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, मिल्च के पर्पस के लिए यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। और दूसरी बात, इसको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर रखा गया था। इसका अपियरेंस अगर आप देखोगे तो अपियरेंस कुछ इस तरीके का होता है। इसके अडर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, थोड़े से उभरे हुए बाहर की तरफ होते हैं ठीक है। हाँ गूगल मत देखा करो ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। विच इज द करेक्ट मैच फॉर द इंडियन क्रॉस ब्रीड एंड दियर लैक्टेशन यील्ड। तो अब आप ये बताइए कि इनमें से करेक्ट मैच क्या है, बताइए इनका करेक्ट मैच क्या है। करंट स्विस आपको दे रखा है, इसका लैक्टेशन यील्ड जो है 3355 है, दूसरा करंट प्राइस 3700 है ठीक है, दूसरा है आपका सुनंदरी 2500 है, और ऑल ऑफ दीस। अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट मैच क्या है इंडियन क्रॉस ब्रीड एंड दियर लैक्टेशन यील्ड का, बताइए इन इंडियन क्रॉस ब्रीड में इनके किसका लैक्टेशन पीरियड करेक्ट है। फिटनेस फ्रीक ऑल इज करेक्ट ओके, नरोत्तम ऑल इज करेक्ट ठीक है, अजय ऑल इज करेक्ट, डी दिशा बैनर्जी डी इज करेक्ट ठीक है, मुस्कान कुलदीप ऑल इज करेक्ट। तो सारे ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं डी इज ऑल इज करेक्ट ठीक है, ओके ऑल इज करेक्ट ठीक है। यार इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो यार लाइक तो बनता ही है, तो जितने भी स्टूडेंट सेशन में यार साथ साथ में लाइक भी करते रहो सेशन को, है ना। चलो तो गाइज यहाँ पर आपका ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आप सभी ने बताया। तो करंट स्विस का हो जाएगा लैक्टेशन आपका 3355 ठीक है, ये इसका लैक्टेशन यील्ड हो जाएगा। ऑलमोस्ट करंट प्राइस का अगर हम देखें तो 3700 है, सुनिंदिनी 2500, तो इसका ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। विच ब्रीड इज नोन एज डेयरी ब्रीड, कौन सी ब्रीड है जिसको हम इंडिया की डेयरी ब्रीड बोलते हैं। गिर, साहिवाल, सिंधी एंड थारपारकर, और इसका जो लैक्टेशन है इसका 2150 केजी पर लैक्टेशन, तो पर लैक्टेशन है इसका 2150। अब बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑल आंसर इज राइट, सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यार साथ साथ में सेशन को लाइक भी करते रहो, है ना, इतने अच्छे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है। चलो बताओ नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे यार, बिल्कुल। चलो
साहिवाल, रेड सिंधी, ओके, कुलदीप ए इज करेक्ट, ठीक है, आकाश चौधरी ए इज करेक्ट, मुस्कान ए इज करेक्ट, ठीक है, विश्व चौधरी साहिवाल, दीपक साहिवाल काउ, ठीक है, अजय, दिशा, दीपशिखा ए इज करेक्ट। यार सारे के सारे स्टूडेंट ए करेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी डेयरी ब्रीड है, आप सभी ने कहा कि डेयरी ब्रीड जो है हमारी साहिवाल है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास चार चीजें हैं, साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, थार पारकर है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, साहिवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली साहिवाल जो है ये आपकी डेयरी ब्रीड है, इसको हम डेयरी ब्रीड बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बेसिकली ये कुछ साहिवाल का एक कुछ और अब कुछ स्पेसिफिक फीचर तो हमने देख लिए, कुछ और भी देख लेते हैं। तो गाइज ये भी आपकी एक बहुत अच्छी ब्रीड है जिसकी डिजीज रेजिस्टेंस अच्छी होती है, ठीक है। साहिवाल ब्रीड की भी जनरली डिजीज रेजिस्टेंस अच्छी होती है, जैसे थार पारकर है, तो थार पारकर जो है वो हीट टॉलरेंस उसमें अच्छी होती है। ऐसे ही जनरली ये ब्रीड भी आपकी हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है, प्लस हाई ह्यूमिडिटी में। तो ऐसी कंडीशंस जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जहां पर जनरली टेम्परेचर ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन में जनरली ये ब्रीड बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। एंड कंपैरेटिवली मोर रेजिस्टेंट देन टेम्परेट ब्रीड, टेम्परेट ब्रीड के कंपैरिजन में ये ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसका जनरली जो रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस है, वो ज्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है, ठीक है। दूसरी बात, द ब्रीडिंग ट्रैक ऑफ द ब्रीड इज फिरोजपुर एंड अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब एंड श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो गाइस ये ब्रीड जो है स्पेसिफिकली ये आपके फिरोजपुर, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में और जनरली राजस्थान वाले पार्ट में जनरली ये ब्रीड मिलती है, जो पंजाब के आसपास वाला रीजन है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, द एनिमल आर वेरी गुड फॉर द स्पेशलाइज डेयरी पर्पज, तो डेयरी पर्पज के लिए इसको हम यूज करते हैं। दूसरी बात कि ये ब्रीड जो है इसका जो हीट और ह्यूमिडिटी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट ब्रीड। अगर हम टेम्परेट ब्रीड की बात करते हैं, यानी कि कूलर रीजन की ब्रीड्स की बात करते हैं, और ये राजस्थान और पंजाब के आसपास वाले रीजन में मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज, द एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ कैटल इज सूटेबल फॉर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो कौन सी ऐसी एग्जॉटिक ब्रीड है कैटल की जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए सूटेबल है। जर्सी, होलस्टीन फ्रिजन, आयरशायर एंड ब्राउन स्विस, बताइए। हाँ श्रीगंगानगर, बिल्कुल। चलो अब बताओ गाइस यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, विच एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ कैटल इज सूटेबल फॉर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कौन सी ऐसी ब्रीड है जो आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए सूटेबल है, बताइए। तो सिर्फ सी इज करेक्ट, ठीक है गाइस, बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। आकाश चौधरी सी इज करेक्ट, ठीक है। नरोत्तम सैनी सी ए इज करेक्ट, ठीक है। तौसिफ सी इज करेक्ट, ठीक है, बताइए गाइस। और यार साथ साथ में सेशन को लाइक भी करते रहो, ठीक है, लाइक भी करते रहना साथ साथ में सेशन को, इतने अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल, तो लाइक करना तो बनता है, विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना। चलो दिशा सी इज करेक्ट, ओके। मुस्कान सी इज करेक्ट, ठीक है। तो गाइज ओके, दीपक सी इज करेक्ट। तो गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ब्रीड है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए बेस्ट सूटेड है, ठीक है, बेस्ट सूटेड है। हाँ तो बिल्कुल ध्यान से आंसर कीजिए। फिटनेस फ्रीक जर्सी इज करेक्ट, अरविंद मौर्य सी इज करेक्ट, भावना सी इज करेक्ट, वेरी गुड आफ्टरनून आदिया, वेलकम इन द सेशन, अजय ए इज करेक्ट, ठीक है, कुलदीप कुमार ए इज करेक्ट, ओके। तो गाइस आप सभी स्टूडेंट ने कुछ स्टूडेंट ने ए और कुछ स्टूडेंट ने सी आंसर किया, दो आंसर आपने किए, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट ए आंसर करें उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, अगर आप इन सभी का नेटिव प्लेस देखो तो नेटिव प्लेस कहाँ कहाँ है बताओ, स्विट्जरलैंड है, नहीं है। होलस्टीन फ्रिजन कूलर रीजन को बिलोंग करती है, ठीक है, ये कूलर रीजन को बिलोंग करती है, स्विट्जरलैंड नेटिव प्लेस है यार, आयरशायर, ठीक है। इसका भी जनरली आपका जो नेटिव प्लेस है वो कूलर रीजन है। तो अल्टीमेटली जब ये तीनों की तीनों कूलर रीजन को बिलोंग करती हैं, तो भाई जब ये कूलर रीजन को बिलोंग करती हैं तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कैसे रहेंगी, राइट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कैसे रहेंगी। तो ये जो बेस्ट सूटेड ब्रीड है वो है जर्सी, ठीक है। जर्सी जो ब्रीड है बेसिकली ये आपकी सूटेबल होती है ट्रॉपिकल कंडीशंस के लिए। होलस्टीन फ्रिजन जो है हमेशा वो जनरली आपके लो, यानी कि ऐसे रीजंस में अच्छे से सर्वाइव करती है जो जनरली हिली रीजंस होते हैं, ठीक है, वहां पर हमेशा होलस्टीन फ्रिजन सर्वाइव करती है। ब्राउन स्विस का भी यही है, इसके अलावा आपका आयरशायर ब्रीड का भी यही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज जर्सी। अब जर्सी के बारे में थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं, ये आपकी जर्सी ब्रीड है, ठीक है, बड़ी प्यारी सी होती है, बहुत ही अच्छी सी दिखती है, ठीक है। तो गाइज इसका जो अगर हम इसका ओरिजिन प्लेस देखें तो ओरिजिन प्लेस इसका जर्सी आइलैंड है, उसी के नाम पर इस ब्रीड का नाम भी है जर्सी ब्रीड, क्लियर। तो ये जर्सी आइलैंड की ब्रीड है,
ठीक है, इंग्लिश चैनल बेसिकली ड्यू टू द लोअर बॉडी वेट एंड लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट. तो गाइज एक्चुअली इसका बॉडी वेट कम होता है और इसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी कम होती है, इस वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना या फिर इसका जो एक इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी रहता है. आप इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है. अब देखो जैसे जिन एनिमल्स का वेट बहुत ज्यादा होता है उनको ट्रांसपोर्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, तो ये सबसे बेस्ट रहता है. ठीक है, कि जिनका वेट कम है उनको ट्रांसपोर्ट करना ईजी रहता है. दूसरी बात, इनके लिए मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो इसको आप इजीली कैरी भी कर सकते हो, इसको आप इजीली पाल सकते हो. जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जिनके लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि लाइक आप उनका बहुत ख्याल रखो, बहुत ध्यान रखो, तो इनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैम्पर या इस तरीके से करने की जरूरत नहीं होती. तो देखिए, ट्रांसपोर्ट अ ग्रेटर नंबर ऑफ सक्सेसफुल मिल्किंग काउस पर यूनिट एरिया इज पॉसिबल एज द सुपीरियर ग्रेजिंग एबिलिटी. इनकी ग्रेजिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है. क्लियर बात, ग्रेजिंग एबिलिटी अच्छी है. दूसरा, इनको बहुत ज्यादा कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि इनको बहुत केयर से रखा जाए. तीसरी बात, कालविंग इजी एंड लो रेट ऑफ डिस्टोक्सिया इज एंड हैव मेड देम फेमस फॉर द क्रॉस ब्रीडिंग एंड विद द अदर डेयरी एंड बीफ ब्रीड टू मिनिमाइज द कालविंग रिलेटेड इंजरीज. तो बेसिकली गाइस इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको कैरी करना बहुत ईजी है, इसको आप पाल सकते हो इजीली. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस. शीप ब्रीड विच आर हैविंग रोमन नोज. तो बेसिकली ऐसी कौन सी शीप ब्रीड हैं जिनके रोमन नोज होते हैं? चोकला, जैसलमेरी, मंडिया या फिर आपकी ए और बी. तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा. शीप ब्रीड, कौन सी ऐसी शीप ब्रीड है जनरली जिनका जो रोमन नोज होता है, बताइए. शीप ब्रीड, देखो काउ की ब्रीड मैंने, गोट की ब्रीड नहीं पूछा, शीप ब्रीड पूछा. तो ध्यान से आंसर करना, कौन सी ऐसी शीप ब्रीड्स हैं जिनकी नोज जो है रोमन नोज होती है, बताइए. चोकला, जैसलमेरी, मंडिया या फिर ए एंड बी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए. गाइस साथ साथ में सेशन को यार लाइक भी करते रहो, ठीक है, लाइक और शेयर भी करते रहो साथ साथ में, ओके. भावना, हाँ जी, नरोत्तम सैनी, डी इज करेक्ट, ओके. फिटनेस फ्रीक, चोकला इज करेक्ट, ठीक है. आदि, आप ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है. रोमन नोज की बात कर रहा है गाइज, रोमन नोज की बात कर रहा है कि किस में इनमें से रोमन नोज होगी, फटाफट से बताइए. हाँ, अजय का आंसर आया है डी, ठीक है, ओके. बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए गाइज क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, कौन सी ऐसी शीप की ब्रीड है जिसमें रोमन नोज मिलती है. ओके, सौगता, मंडिया, मंडिया ब्रीड है, ओके, ठीक है. बताइए गाइस, बताइए. धीरज, ओके, धीरज सिंह, एग्रीकल्चर स्टूडेंट, डी इज करेक्ट, ओके. तो गाइस यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी. तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चोकला एंड जैसलमेरी. देखो गाइस, शिप की जो ब्रीड जनरली रोमन नोज वाली होती है ना, तो इन दोनों की रोमन नोज होती है, चोकला और जैसलमेरी दोनों होगी. तो जिन स्टूडेंट्स ने दोनों आंसर किया उनका आंसर सही है, ठीक है, तो चोकला एंड जैसलमेरी. अब गाइस, चोकला ब्रीड जो है कुछ इस तरीके से दिखती है और जैसलमेरी ब्रीड कुछ इस तरीके से दिखती है. तो इनका ये आगे वाला पोर्शन ये लाइट ब्लैक होता है, बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक नहीं होता, लेकिन इनका अगर ये फेस वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो डार्क ब्लैक होता है. तो ये चोकला ब्रीड है, ठीक है, दिस इज चोकला ब्रीड और दिस इज जैसलमेरी ब्रीड, ये आपकी जैसलमेरी ब्रीड है. क्लियर बात, ठीक है, समझ के. अब इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, फेस बिल्कुल ब्लैक है और यहाँ पर लाइट ब्लैक है, बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक नहीं है, ठीक है. चलो, इनका अगर हम ओरिजिन प्लेस की बात करें गाइस, तो देखो इस ब्रीड का चोकला का जो ओरिजिन प्लेस है, चोकला चूरू है, ठीक है, चोकला चूरू दोनों कोरिलेट है, तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. तो चूरू राजस्थान में है, इसका ओरिजिन प्लेस है. इसके अलावा इसका झुंझुनू, इसका जनरली झुंझुनू, शिकार, बॉर्डरिंग एरिया जो है वो है आपका बीकानेर, जयपुर एंड नागपुर. तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के, यहाँ पर ये ब्रीड मिलती है. तो चोकला का जो नेटिव प्लेस है, यानी कि जो ओरिजिन प्लेस है, दैट इज राजस्थान. कौन सा है? राजस्थान इसका नेटिव प्लेस है, ठीक है. दूसरी बात, जैसलमेरी, जैसलमेरी ब्रीड की अगर हम बात करें गाइस, तो इनका क्या है, जैसलमेर रीजन. इनका जैसलमेर रीजन जो है जनरली इनके लिए क्या है, इनका ओरिजिन प्लेस है, ये भी राजस्थान में है. तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि दोनों की दोनों ब्रीड जो है राजस्थान की ब्रीड है, ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा. दोनों ब्रीड राजस्थान की ब्रीड है, एक का फेस जो है वो क्लियर ब्लैक है, एक का फेस जो है वो लाइट ब्लैक है, और इनकी नोज जो है वो जनरली रोमन नोज होती है, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हैवीएस्ट शिप ब्रीड इन अ वर्ल्ड इज लिंकोलन, डॉर्सेट, साउथ डाउन एंड मरीनो. अब बताइए गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए. दोनों राजस्थान की ही है, बिल्कुल बिल्कुल दोनों राजस्थान की ही ब्रीड है, चोरू, भावना, चूरू है. बिल्कुल बिल्कुल गाइस,
अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. हैवीएस्ट शीप ब्रीड इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में हैवीएस्ट शीप ब्रीड कौन सी होगी. लिंकोलन होगी, डॉर्सेट होगी, साउथ डाउन होगी या फिर मेरीनो ब्रीड होगी, बताइए. हाँ मालपुरा भी ओके ठीक है. फिटनेस फ्रीक मेरीनो ठीक है, फिटनेस फ्रीक ने आंसर किया है मेरीनो ठीक है. नरोत्तम सैनी डी इज करेक्ट ठीक है. दीपक कलवा मेरीनो इज करेक्ट ओके. सूरज सिंह बी इज करेक्ट ठीक है. अजय दिशा बनर्जी डी इज करेक्ट ओके. आकाश त्रिवेदी डी इज करेक्ट ठीक है. अजय कुशवाहा डी इज करेक्ट ओके. कुलदीप कुमार डी इज करेक्ट ठीक है. आदिया ने आंसर किया है डॉर्सेट. धीरज का आंसर आया है डी ठीक है. रमेश कुमार डी. अमित कुमार न्यू बैच कब से स्टार्ट है मैम. न्यू बैच आपका 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा जो फाउंडेशन बैच है ठीक है. अरविंद मौर्या डी इज करेक्ट ठीक है. भावना कुमारी डी इज करेक्ट. वूल प्रोडक्शन बेस्ट, वूल प्रोडक्शन ओके. दीपक वूल प्रोडक्शन बेस्ट ओके. गाइस यार साथ साथ में लाइक भी करते रहो सेशन को, मतलब इतना इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है और आप लोग आप सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट्स हैं अभी सेशन में उन सारे स्टूडेंट्स ने अभी लाइक नहीं किया तो यार साथ साथ में सेशन को लाइक भी करते रहो है ना, ताकि यार नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अगर आप लोग सेशन में जुड़े रहोगे और लाइक करते रहोगे सेशन में ठीक है. तो फटाफट से यार लाइक भी करते रहो. सलोनी शिवांगी डी इज करेक्ट ओके. भावना मरीन ब्रीड ओके. तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंकोलन ठीक है. क्या होगा लिंकोलन ओके. अब गाइज इस ब्रीड को अगर आप देखोगे तो अब आप खुद ही देख के इसको पहचान सकते हो कि यार ये हमारी हैवी शिप ब्रीड क्यों है ठीक है. आप इसको देख करके आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये हैवी शिप ब्रीड क्यों है भाई हैवी शिप ब्रीड. आप इसमें देख सकते हो वूल प्रोडक्शन बिल्कुल इसका बेस्ट है. जितने स्टूडेंट ने बोला है कि वूल प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, डेफिनेटली देखो कितना सारा वूल है, मतलब उसकी आईज के आगे भी वूल है ठीक है. इतना ज्यादा हैवी मीन्स उसकी बॉडी में वूल है कि उसकी आईज के आगे भी पूरा वूल है. ये देखिए कुछ इस तरीके का ये ब्रीड दिखाई देता है, तो काफी ज्यादा हैवी ब्रीड है. बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा ये ब्रीड दिखता है ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगता है ब्रीड. और इनका जो मतलब बॉडी में लगभग कोर्स वूल मतलब थोड़ा सा हार्ड वूल हमें दिखाई देता है ठीक है. भविष्य सबका क्यों भाई ऐसा क्यों है ठीक है. तो बेसिकली गाइस इट इज द लार्जेस्ट ब्रीड ऑफ ब्रिटिश शिप. तो ये आपकी लार्जेस्ट ब्रिटिश शिप ब्रीड है ठीक है. और नेक्स्ट गाइस की ये जनरली आपकी विच वॉज डेवलप्ड स्पेशली फॉर प्रोड्यूसिंग द हैवीएस्ट लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट लग्जेरियस फ्लीश ऑफ एनी ब्रीड इन द वर्ल्ड. तो गाइज इनसे जनरली बहुत सारा वूल निकलता है ठीक है. इनसे जनरली काफी सारा वूल निकाला जाता है क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि इतना सारा वूल जनरली इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है क्लियर. तो बेसिकली गाइज ये आपकी काफी हैवी और लस्टेरियस फ्लीस प्रोड्यूस करने वाली ब्रीड है राइट. नेक्स्ट वन टूडे द ब्रीड इज अवेलेबल इन द मैनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. और अभी के टाइम पे ये ब्रीड जो है ये काफी सारे कंट्रीज में देखने को मिल रही है, काफी सारी जगह ये ब्रीड देखने को मिलती है क्लियर. नेक्स्ट एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ दीज एनिमल वर एक्सपोर्टेड टू द मैनी कंट्री फॉर इंप्रूविंग द साइज एंड वूल क्वालिटी ऑफ द नेटिव शिप ब्रीड. और इस ब्रीड को अभी के टाइम पे काफी सारी जगह जनरली इन ब्रीड्स को एक्सपोर्ट भी करा जा रहा है. अब देखो इन ब्रीड को एक्सपोर्ट करने का रीजन क्या, तो इन ब्रीड को एक्सपोर्ट करने का मेन रीजन ये है कि इनका ताकि उनकी नेटिव ब्रीड से जो उनकी अपनी इंडिजिनस ब्रीड है उन ब्रीड से इनका क्रॉस करवाया जाए और उनका जो साइज है उसको भी बढ़ाया जाए और साथ ही साथ इनका जो वूल प्रोडक्शन रेट है उसको भी बढ़ाया जाए. आप इनका बॉडी देखिए और उसके बाद आप खुद ही देख लीजिए कि इनके इनका जो बॉडी में वूल प्रोडक्शन है वो कितना ज्यादा वूल है राइट. तो इस तरीके से इनकी बॉडी से अगर वूल प्रोडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मतलब काफी ज्यादा अच्छा खासा वूल का प्रोडक्शन है. तो डेफिनेटली जब इनको बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करा जाता है तो अल्टीमेटली वहां पर जो वूल प्रोडक्शन उनकी जो अपनी ब्रीड्स है उनका वूल प्रोडक्शन भी क्या होगा साथ में इंक्रीज होगा ठीक है. हमें तो लगा था बिल्डिंग के पास कोई स्टैचू बना है. नहीं यार बिल्डिंग के पास कोई स्टैचू अच्छा दिखाई नहीं दे रही क्या. दिख तो रही यार अच्छे से तो दिख रही है ब्रीड ठीक है. कलर एक्चुअली काफी ज्यादा सिमिलर है ना इसलिए बोल रहे हो. इसका येलो है लाइट येलो है, इसका थोड़ा सा ग्रे है और लाइट में वो और ज्यादा ऐसा ही दिख रहा है ना. बिल्कुल रात में दिख जाए जो डर ही अरे ऐसा भी नहीं है कि रात में देख ले तो डर जाए. जो लोग रहते हैं वो भी तो रहते हैं साथ में. हाँ जी हेलो अर्जुन गुप्ता. तो ठीक है गाइस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. लार्ज ड्रूपिंग ईयर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच शिप ब्रीड. तो कौन सी शिप ब्रीड है जिसके लार्ज ड्रूपिंग ईयर है. गद्दी होगा, नाली होगा, सुनादी होगा या फिर ऑल होगा. करेक्ट आंसर बताइए गाइस क्या होगा. आकाश त्रिवेदी को हंसी आ रही है
चलिए अब बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। लार्ज ड्रूपिंग ईयर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच शीप ब्रीड, कौन सी शीप ब्रीड है जिसके जनरली ईयर्स जो है वो लार्ज और ड्रूपिंग ईयर्स होते हैं, बताइए गद्दी के होंगे या नली के होंगे या फिर आपके सुनाडी के होंगे या फिर ऑल होगा, बताइए। यार इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों ने देखो सेशन को लाइक नहीं किया, ये गलत बात है। फटाफट से सेशन को लाइक भी करते रहो साथ साथ में। चलो करण संधू ए इज करेक्ट, ओके ठीक है। शुभम त्यागी ए इज करेक्ट। आदित्य नली ब्रीड, ओके ठीक है। सूरज ऑल। सुधी मैम बैच पे सब ब्रीड पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स है वो आप लोगों को अभी भी पढ़ाई गई थी और जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है वो डेफिनेटली आपको आगे भी बैच में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। कुलदीप ऑल ठीक है। विष्णु चौधरी ए ऑल, ओके। कुलदीप ऑल इज करेक्ट, ओके। धीरज सिंह ए डी इज करेक्ट। आकाश ए इज करेक्ट, ओके। प्रवीण प्रभाकर गद्दी। अजय बी इज करेक्ट। भावना डी इज करेक्ट। अरविंद मौर्य डी इज करेक्ट, ओके। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑल इज करेक्ट, मतलब कि लार्ज ड्रूपिंग ईयर्स जो है वो जनरली सारी ब्रीड्स में है, ओके। अरे जिन्होंने लाइक कर दिया उनकी बात नहीं कर रही, जिन्होंने नहीं लाइक किया उनकी बात कर रही, जिन्होंने लाइक कर दिया उनका तो है, ठीक है। ऑल ओके। एनिमल न्यूट्रिशन वाले क्वेश्चन भी करा दूंगी नेक्स्ट सेशन में करा दूंगी, ठीक है। चलो अभी पहले ये क्वेश्चंस तो कर लो। तो गाइस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनाडी, ठीक है। सुनाडी ब्रीड्स जो है जनरली इनके लार्ज ड्रूपिंग ईयर्स होते हैं, काफी ज्यादा बड़े ईयर्स होते हैं और ड्रूपिंग ईयर्स होते हैं इन ब्रीड्स के, और ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्लियर। अब इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी ब्रीड है, ठीक है। तो द सुनाडी शीप ब्रीड इज फाउंड इन द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। तो गाइज ये ब्रीड जो है ये राजस्थान रीजन में देखने को मिलती है, किसमें? राजस्थान रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी बात, उदयपुर जनरली, इसके अलावा आपका डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एंड बंसवाला डिस्ट्रिक्ट, तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जनरली ये ब्रीड देखने को मिलती है और स्पेसिफिकली ये ब्रीड राजस्थान में। आप देखो यार एक चीज याद रखो हमेशा, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है कि राजस्थान जो है वुल प्रोडक्शन में काफी ज्यादा ये ऑलमोस्ट लीडिंग स्टेट है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम शिप ब्रीड जो है, देखो शिप से सबसे ज्यादा वुल निकलता है, तो मैक्सिमम शिप ब्रीड भी वहां पर मिलेंगी। तो ज्यादातर शिप ब्रीड्स का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? राजस्थान है, ठीक है। तो ये तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रीड जो है आपकी ये राजस्थान की ब्रीड है, ठीक है। दूसरा, दे आर ऑल्सो लोकली नोन एज, इनको हम लापड़ी ब्रीड भी बोलते हैं, ठीक है। लापड़ी क्यों? क्योंकि इनके ईयर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो अगर इनको हम लोकल लैंग्वेज में वहां राजस्थान में इनको लापड़ी ब्रीड भी बोलते हैं, ठीक है। लापड़ी क्यों? बिकॉज इनके लॉन्ग फ्लैट ड्रूपिंग ईयर्स होते हैं एंड इनको भांगली भी बोलते हैं, ऑफ द गुड फॉर्चून, अच्छे फॉर्चून की वजह से, तो जनरली मैक्सिमम इनको लापड़ी ब्रीड भी बोलते हैं, ठीक है। तो लापड़ी ब्रीड इनका इनका जनरली नेम होता है। तो आप इसके ईयर देख सकते हो इस तरीके से, ये देखो बड़े और ड्रूपिंग ईयर्स हैं, ठीक है। नीचे की तरफ लॉन्ग ड्रूपिंग ईयर्स इनके होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में समझ नहीं आया, चरते टाइम पे कान के नीचे टच होते हैं, चरते टाइम, हाँ ड्रूपिंग है तो नीचे की तरफ तो ऑब्वियसली इस तरीके से लटकेंगे ना। अब जितना ज्यादा वो लंबे होंगे, जितनी ज्यादा लेंथ जितनी लंबी होगी, ऑब्वियसली नीचे की तरफ वो लटकता जाएगा उतना ज्यादा, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। इनको भी बोलते हैं, हाँ इनको चौंदर भी, हाँ बोलते इनको चौंदर भी बोलते हैं, अच्छा। बाकी मुझे तो दो ही नाम पता है इनके, लापड़ी और भांगली। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। हाईएस्ट प्राइस ऑफ स्किन इज फेस्ट फॉर विच ब्रीड? मारवाड़ी, गद्दी, गंजम एंड मालपुरा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। न्यू बैच कब से लेना है एफओ का? आप ले सकते हो, आज भी ले सकते हो, किसी भी टाइम पे ले लो, मतलब जितनी जल्दी, एक्चुअली आज डबल वैलिडिटी है और 80% ऑफ भी है, तो अगर आज आप इनरोल कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बाद डबल वैलिडिटी चली जाएगी प्लस 80% ऑफ भी वो बंद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद अगर आप लोगे तो आपको नॉर्मल प्राइस पे लेना पड़ेगा, वो आपके लिए ज़्यादा वो होगा। अभी अगर इस टाइम पे आप ले लेते हो तो इस टाइम पे डबल वैलिडिटी भी चल रही है और 80% ऑफ भी चल रहा है, तो इस टाइम पे अगर आप इनरोल करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। चलो बताओ, मारवाड़ी ब्रीड, आद्य दीक्षित, ओके। धीरज ए इज करेक्ट, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस ऑफ स्किन इज फेस्ट फॉर विच ब्रीड? स्किन के लिए किसका प्राइस फी कितना? अभी एट द एंड मैं आपको बता दूंगी, आई थिंक 2-3 के अराउंड है, 2500 और 3 के बीच है शायद। अभी 80% ऑफ भी है तो थोड़ा सा और कम होगा, अभी बता दूंगी मैं कितना होगा सेशन के एंडिंग में, ठीक है। अब ऑलमोस्ट थोड़ी देर में एंड हो ही जाएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। ए इज करेक्ट, ओके।
पवन इज करेक्ट. ठीक है बताओ गाइस, बताओ बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ. अरे यार देखो आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, गलत बात. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया उनकी बात कर रहे हो, जिन्होंने कर दिया उनकी बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया यार लाइक भी कर दो साथ साथ में. ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी मारवाड़ी. तो मारवाड़ी किसी ने आंसर किया है? हाँ मैक्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है. पवन ने किया है, अरविंद मौर्य ने किया है, और धीरज ने भी किया है ए आंसर किया, अजय ने भी किया. वेरी गुड. तो जितने स्टूडेंट ने ए आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, मारवाड़ी ब्रीड. ठीक है, तो स्किन के लिए जनरली हमारी कौन सी ब्रीड है? मारवाड़ी है. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लेते हैं गाइस. देखो बेसिकली द मारवाड़ी शिप इज रेस्ड फॉर इट्स वूल एंड विच इज कोर्स और कार्पेट क्वालिटी. तो बेसिकली गाइस जो मारवाड़ी वूल है, ठीक है, इसका जो वूल होता है वो जनरली कार्पेट के लिए काफी अच्छी क्वालिटी का होता है. कार्पेट्स वगैरह जनरली उससे ज्यादा बनाए जाते हैं. द मारवाड़ी इज द इंडियन ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक शिप. तो ये जनरली आपकी डोमेस्टिक, ये जनरली इंडियन ब्रीड है. ठीक है, डोमेस्टिक ब्रीड है, इसको घर में पाला जाता है. दूसरा, इट ओरिजिनेट इट इन एंड द नेम्ड फॉर द मारवाड़ रीजन ऑफ द साउथ वेस्टर्न राजस्थान. तो ये जो ब्रीड है बेसिकली ये राजस्थान का जो साउथ वेस्टर्न रीजन है, मारवाड़ रीजन, उस रीजन को जनरली ये ब्रीड बिलोंग करती है. दूसरी बात, द फ्लीस वेट अबाउट 1.8 केजी ऑन एन एवरेज. तो इसका जो वूल है, ठीक है, इसका जो फ्लीस वेट है यानी कि इसका जो वूल है वो ऑलमोस्ट कितना है, 1.5 केजी है. कितना है? 1.5 केजी है. तो गाइज मारवाड़ी ब्रीड आपकी काफी अच्छी ब्रीड है, इसको कार्पेट वूल के लिए यूज करा जाता है. राजस्थान इसका नेटिव प्लेस है, डोमेस्टिक ब्रीड है, और इसका जो फ्लीस होता है यानी इसका जो वूल होता है वो ऑलमोस्ट कितना है, 1.8 केजी है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच गोट ब्रीड इज मोर डिजीज रेजिस्टेंस? मारवाड़ी, बारबरी, जमुना पारी एंड छेगू. अब बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा. गोट की कौन सी ब्रीड है जो मोर डिजीज रेजिस्टेंट होती है? बताइए. फोर्थ सेम में हूं तो एफओ बैच एमएससी बैच लेना अच्छा रहेगा, एफओ बैच या एमएससी बैच लेना बेटर रहेगा. सुदीप देखो आपको आगे जो करना है वो आप ले सकते हो. अगर आपको आगे मास्टर्स के लिए करना है तो आप मास्टर्स वाला बैच ले सकते हो, और अगर आपको आगे मतलब अगर आपको एफओ के लिए प्रिपेयर करना है तो उसका ले सकते हो. और दोनों के लिए पढ़ना है तो एग्रीकल्चर महापैक बेस्ट है, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, मारवाड़ी ब्रीड बताइए. मैम अरे यार अभी तो 80% ऑफ है, अब इससे ज्यादा क्या ऑफ मिलेगा यार, इससे ज्यादा तो ऑफ नहीं होगा. धीरज, दीपक ए इज करेक्ट. ठीक है, कुलदीप ए इज करेक्ट. आद्या मारवाड़ी. ठीक है, शुभम ए इज करेक्ट. ओके, आकाश ए इज करेक्ट. हाँ जी आशीषमान, अरे वाह आज आशीषमान भी आ गए, वेलकम इन द सेशन. हिंदी वाले कोई, हिंदी वाले से कोई नहीं पूछेगा पूछता कैसा गया. अरे यार इससे भी पूछो, फिटनेस फ्रीक्स का एग्जाम कैसा हुआ महापैक में कहीं भी? हाँ महापैक में तो सारी ही मिल जाती है, कहीं भी सारी क्लासेस. आइकन ए इज करेक्ट. तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबरी. ठीक है, बारबरी. तो गाइज अगर हम डिजीज रेजिस्टेंस की बात करें तो बारबरी का डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा है. क्लियर, गोट की ब्रीड की बात करी थी मैंने आपसे. अब देखिए यहाँ पर, द बारबरी और बारी इज अ ब्रीड ऑफ स्मॉल डोमेस्टिक गोट फाउंड इन द वाइड एरिया ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान में ये ब्रीड मिलती है. ठीक है, दूसरी बात, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन इंडिया एंड पंजाब एंड सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान. तो गाइज इंडिया में ये ब्रीड काफी जगह है, जनरली ये हरियाणा वाले रीजन में, पंजाब, यूपी, इन सारे रीजन में जनरली ये ब्रीड देखने को मिलती है. ठीक है, और इस ये ब्रीड जनरली आपकी लाइट वेटेड भी होती है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं. रग इज ऑप्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग गोट? छेगू, चंगथांगी, गद्दी और अंगूरा. अब बताइए रग इज ऑप्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड? रग किससे ऑप्टेन करा जाता है? गाइस साथ साथ में सेशन को लाइक भी करते रहो यार. ठीक है, चलो हाँ हाँ बताओ. अब शुभम ने पूछ लिया फिटनेस फ्रीक से एग्जाम कैसा हुआ, चलो बताओ. अरे ये कब से, अरे यार ये इसका डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा है भाई आकाश चौधरी, अच्छा है इसका डिजीज रेजिस्टेंस बाकी के कंपैरिजन में. ठीक है, छोटी बकरी, बिल्कुल छोटी बकरी है, लाइट वेटेड बकरी है. ठीक है, या 14 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 14 फेब से. कितना क्वेश्चन यार, ये तो डिपेंड करता है, 2022 में थे ऑल मॉक से ही थे. आप लोग अगर सारे मॉक्स उठा करके देखोगे तो सारे क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट. ठीक है, भावना ए इज करेक्ट, सूरज बी इज करेक्ट.
बीस करेक्ट. ओके तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंगाथांगी. ठीक है, चिंगाथांगी करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो अल्टीमेटली रग जो है वो चिंगाथांगी से ऑप्टेन करा जाता है. क्लियर. अब देखो यहाँ पर चिंगाथांगी जो ब्रीड है गाइज कुछ इस तरीके से दिखती है. ठीक है, दिस इज द चिंगाथांगी ब्रीड. अब देखिए चिंगाथांगी जो ब्रीड है जनरली ये आपकी कौन से रीजन में मिलती है, तो ये लेह लद्दाख के रीजन में मिलती है, वहां पर इसका नेटिव प्लेस है. ठीक है, दूसरा गोट की, यार मैंने गोट की बात करी है, गोट की बात करी, शिप की बात नहीं करी, गोट की बात करी. क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो. मैंने गोट पूछा था, डिजीज रेजिस्टेंट गोट. ठीक है, इसके अलावा बेसिकली इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द नोमेडिक दैट इज चंगपा पीपल ऑफ द चिंगाथांग प्लेटिव. तो बेसिकली जो आपके चंगपा पीपल हैं उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है चिंगाथांगी. ठीक है, इट मे ऑल्सो नोन एज लद्दाख पश्मीना और कश्मीरी. तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, लद्दाख या कश्मीरी या पश्मीना ब्रीड भी बोलते हैं नेटिव प्लेस के नाम पर. ठीक है, तो बेसिकली गाइज ये जो आपकी चिंगाथांगी ब्रीड है इसका नेटिव प्लेस है आपका नेटिव प्लेस आता है इसका कश्मीर, तो इसलिए इसको कश्मीरी भी ब्रीड बोलते हैं और ये ब्रीड आपकी काफी अच्छी ब्रीड होती है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. जनरली सिमिटर हॉर्न्स इज अ टिपिकल फाउंड इन विच गोट, अल्पाइन, टोगनबर्ग, इसके अलावा आपका ये अंग्लोनुबियन एंड जमुनापारी ब्रीड. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर. इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि जनरली सिमिटर टाइप हॉर्न्स किस ब्रीड में मिलते हैं, स्मिटर टाइप हॉर्न्स कौन सी ब्रीड में देखने को मिलते हैं, अल्पाइन में जनरली, टोगनबर्ग में, या फिर एंग्लो नुबियन में, या फिर जमुनापारी में. थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से सोचोगे ना तो आराम से आंसर आ जाएगा. बस थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना, पढ़ के अच्छे से आंसर करना, आराम से आंसर आ जाएगा. और यार साथ साथ में सेशन को लाइक भी करते रहो. देखो ठीक है, नरोत्तम सैनी 20 करेक्ट, शुभम त्यागी 20 करेक्ट, ठीक है, भावना 20 करेक्ट. ठीक है, बताओ गाइस बताओ क्या होगा, स्मिटर हॉर्न किस में देखने को मिलते हैं, स्मिटर हॉर्न किसका एक स्पेशल फीचर है, कौन सी गोट का स्पेशल फीचर है, हिंदी में भी बताओ ना इसकी. अरे इतनी हिंदी तो बोल रही हूँ यार, इससे ज्यादा और क्या हिंदी बोलूं. आइकन ए, ठीक है, हाँ आइकॉन आपका आंसर मैंने देख लिया, ए है. ओके ठीक है, आकाश बस इंटरव्यू की तैयारी है भाई. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारी बात बिल्कुल, इंटरव्यू की तैयारी करते रहो आप लोग. ठीक है चलो, वेरी गुड, अजय ए इज करेक्ट. ठीक है बताओ गाइस, सूरज सिंह ए इज करेक्ट. ठीक है, नरोत्तम सैनी, अरे आंसर करो यार जल्दी जल्दी आंसर करो. तो गाइज अगर हम स्मिटर हॉर्न की बात करें, ठीक है, तो ये हॉर्न्स जनरली आपके अल्पाइन ब्रीड्स में देखने को मिलते हैं. और ये स्मिटर हॉर्न कैसे होते हैं, ये होते हैं ये इस तरीके के, देख रहे हो इस तरीके के, मतलब अलग से नीचे से ऊपर की तरफ फिर यूं इस तरीके से एम शेप टाइप, जैसे एम बनाते हैं ना कुछ इस तरीके से, कुछ एम शेप इस तरीके का टाइप का, देख रहे हो इस तरीके एम शेप, तो इसको बोलते हैं स्मिटर हॉर्न. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से इनके हॉर्न्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए. ठीक है, पिक्चर ऑलरेडी लगाया हुआ है मैंने. तो बेसिकली ये आपके अल्पाइन ब्रीड है जो जनरली आपके हायर अल्पाइन जोन में मिलती हैं. ठीक है, तो अल्पाइन इज अ मीडियम टू लार्ज साइज ब्रीड ऑफ द डोमेस्टिक गोट नोन फॉर इट्स मिल्क गुड मिल्किंग क्वालिटी. तो बेसिकली गाइज इनकी गुड मिल्किंग क्वालिटी यानी कि गुड मिल्किंग एबिलिटी के लिए हम इसको जानते हैं. ठीक है, दे हैव नो सेट कलर और मार्किंग. तो इनकी इनका एज सच कोई बहुत टिपिकल कलर नहीं होता है. ठीक है, कोई सेट कलर नहीं है कि एक ही कलर हो. ठीक है, दे हैव हॉर्न्स स्ट्रेट प्रोफाइल एंड इरेक्टेड ईयर्स. तो इनके जो ईयर्स होते हैं जनरली इरेक्टेड होते हैं, ये देखो इस मतलब बाहर की तरफ होता है ऐसे, इस तरीके से खड़े इस तरीके से होता है. ठीक है, इस तरीके से खड़े होते हैं बाहर की तरफ, इनके जनरली ईयर्स होते हैं. ठीक है, और दूसरी बात कि इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो इस टाइप के एम शेप होते हैं. क्लियर, तो बेसिकली द ब्रीड ओरिजिनेट इन द फ्रेंच अल्प्स. और ये ब्रीड जो है ये जनरली फ्रेंच अल्प वाले रीजन में ये ब्रीड ओरिजिनेट हुई थी, तो इसलिए इस ब्रीड का नाम जो है वो है अल्पाइन. ठीक है, तो गाइज ये बात ध्यान रखिएगा, स्मिटर हॉर्न इस टाइप के हॉर्न्स होते हैं, एम शेप बनाते हैं जनरली, इनका कोई आदसच अपना कोई कलर नहीं होता. फ्रेंच में जनरली जो प्लेस है दैट इज अल्प प्लेस, वो इनका ओरिजिन प्लेस है. क्लियर,
चलिए अब नेक्स्ट, तो गाइस ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, तो आई जस्ट होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी। साथ साथ में यार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एट द एंड ऑफ सेशन गाइज, ये आपका IBPS AFO का न्यू बैच है जिसमें आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और इस ईयर जितने भी स्टूडेंट ने ये सोचा है कि यार हम इस साल अपना IBPS AFO का एग्जामिनेशन हमें क्लियर करना ही करना है, तो गाइज इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और इस बैच में इनरोल करने के लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, दैट इज Y447A, ठीक है, Y447A। इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर सकते हो। इस कूपन कोड पर आपको 80% ऑफ मिल जाएगा, प्लस अभी डबल वैलिडिटी चल रही है और 80% ऑफ भी चल रहा है। तो जो स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं गाइस, आप इनरोल कर सकते हो इस बैच में, क्योंकि इसके बाद 80% ऑफ खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका जनरल आ जाएगा। जनरल जितना प्राइस होता है उतने प्राइस पे आपको मिलेगा, तो इसलिए आप आज इस बैच में इनरोल कर सकते हो। आपको इनरोल कैसे करना है, तो गाइस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप से आपको इजीली इनरोल कर सकते हो आप। मैं डायरेक्ट साइट से ओपन कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, क्लियर। ऑल कोर्सेज पर जैसे ही आप जाओगे, आपको एग्रीकल्चर पर जाना है, IBPS SO AFO पे जाना है। अब ये देखिए, ये आपका डबल वैलिडिटी पर चल रहा है कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ये स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी से, ठीक है। तो बहुत खुश नहीं हो ना, चलो 14 फरवरी से हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तो गाइस, इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 13,999, ठीक है। और इसमें आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, और ये कूपन कोड है आपका Y447A, ठीक है, Y447A। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहां से आप इसमें टाइप कर लीजिएगा Y447A। जैसे इसे अप्लाई करोगे, देखिए 2799 में, तो मैंने आपको बोलता है 25-3 के बीच में है, तो 2799 में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा और आप इस बैच से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, क्लियर बात। इसके अलावा गाइस आपका जो अगर आप बहुत काफी सारे एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए एग्रीकल्चर वहां पर एक बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए इसमें आपका 12 मंथ का भी और 6 मंथ का भी है, तो भाई अभी दोनों डबल वैलिडिटी पर चल रहे हैं, 6 मंथ वाला भी 12 मंथ वाला भी, तो आप 6 मंथ वाले के लिए भी इनरोल कर सकते हो। 27,999 इसका एक्चुअल प्राइस है। यहाँ पर भी सेम आपको एक ही कोड अप्लाई करना है, दैट इज Y447A। जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे, देखिए ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑलमोस्ट 5600 में। तो गाइस 5600 में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा और आप मैक्सिमम एग्जाम्स को इससे टारगेट कर सकते हो, राइट, और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हो। तो गाइस जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के साथ, अपनी तैयारी को और भी अच्छे करते रहिएगा, और डेली के सेशंस में जरूर जुड़िए गाइस, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप पेड बैचेस में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।